तो यार सामने आप बाइक को देख सकते हैं, TVS Raider 125cc सुपर स्क्वाड एडिशन रेड कलर में आपके सामने बाइक प्रेजेंट है। ओह गॉड, एक बार दिला दे। 2024 वाला लेटेस्ट मॉडल है जैसा कि यहाँ पर आप जो है देख ही सकते हैं। बाकी इस बाइक में आपको काफी सारे फीचर्स मिल जाते हैं और रेड कलर में आपको यहाँ पर सुपर स्क्वाड एडिशन में आयरन मैन वाले कुछ ऐसे ग्राफिक्स मिल जाते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। इस वजह से बाइक का लुक यहाँ पर जो है ना काफी ज्यादा खतरनाक और अट्रैक्टिव लग रहा है, जैसे कि सामने आप बाइक को देख सकते हैं, जलवा है हमारा। तो बाकी इस बाइक में आपको कौन कौन से फीचर्स मिलते हैं, इसकी 2024 में लेटेस्ट ऑन रोड प्राइस क्या है, क्या क्या इसमें फीचर्स मिलते हैं, क्या क्या न्यू अपडेट है बाइक से रिलेटेड, यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो इन्फॉर्मेशन को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। बाकी वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम पास के। चलो चलो चलो। सबसे पहले तो यार स्काई ऑटो विंग्स को ये बाइक मुझे प्रोवाइड करने के लिए थैंक यू सो मच। शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स यानी कि एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप इसके आसपास से बिलोंग करते हैं तो शोरूम में आकर आप जो है बाइक का टेस्ट ड्राइव भी यहाँ पर ले सकते हैं। बाकी यार E20 का भी इसमें आपको अपडेट मिल जाता है, जैसे कि यहाँ पर आप E20 का स्टीकर देख सकते हैं। 20% इथेनॉल वाले फ्यूल से भी ये बाइक चलने वाली है। टैंक पर यहाँ पर आपको मोबाइल चार्जिंग का फीचर भी मिल जाता है जो कि काफ़ी सही फीचर है। इसके फुल्ली डिजिटल मीटर कंसोल में आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन यानी कि अच्छे खासे फीचर्स मिल जाते हैं। इसके टॉप वेरिएंट में आपको जो है स्मार्टेक्स कनेक्ट यानी कि ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी देखने को मिल जाती है। उसमें आपको TFT मीटर कंसोल मिल जाता है, इसमें भी आपको अच्छे खासे फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको साइड स्टैंड की वार्निंग मिल जाती है, हेलमेट का यहाँ पर आपको जो है सजेशन मिल जाता है जैसा कि आप देख सकते हैं। और बाकी फीचर्स की बात करते हैं तो स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, इसमें आप टाइम भी देख सकते हैं। साथ ही में इसमें आपको गियर इंडिकेटर मिल जाता है, फ्यूल की इन्फॉर्मेशन। और बाकी फीचर्स की बात करते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं ट्रिप ए, और उसके बाद यहाँ पर आपको ट्रिप बी, किलोमीटर रेंज, एवरेज, ये सारे फीचर्स यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। बाकी स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ये सारे फीचर्स भी मिल जाते हैं। इको इंडिकेटर मिल जाता है। और लेफ्ट हैंड साइड में जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको पासिंग का स्विच मिलता है, बीम हाई बीम का यहाँ पर आपको स्विच मिल जाता है, उसके बाद इंडिकेटर, और नीचे यहाँ पर आपको हॉर्न का स्विच मिल जाता है। तो कुछ ऐसा यहाँ पर आपको हॉर्न का साउंड देखने को मिल जाता है। राइट हैंड साइड में यहाँ पर आपको इको मोड और पावर मोड का यहाँ पर स्विच देखने को मिल जाता है। इसमें आपको इंजन किल स्विच नहीं मिलता, उसके बदले यहाँ पर आपको इको मोड, पावर मोड का स्विच मिलता है। अगर आपको बाइक से पावर अच्छी चाहिए तो पावर मोड में चलाओ, और अगर अच्छा माइलेज चाहिए तो बाइक को जो है इको मोड में चलाओ। तो कुछ ऐसा यहाँ पर इसका जो है सिस्टम है। बाकी इसके नीचे यहाँ पर आपको सेल्फ का स्विच मिल जाता है। तो अभी आप TVS Raider 125cc को फ्रंट से देख सकते हैं। फ्रंट लुक यहाँ पर आपको कुछ ऐसा मिल जाता है, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। इसमें आपको फुल्ली LED हेडलाइट का सेटअप मिल जाता है, जैसे कि LED में इसमें आपको जो है DRL मिल जाती है। और बाकी इसके हेडलाइट को ऑपरेट करने के लिए आपको जो है बाइक को स्टार्ट करना पड़ेगा, तभी जो इसकी लो बीम हाई बीम ऑन होगी। तो बाइक का जो है हेडलाइट ऑन होने के बाद आपको फ्रंट लुक कुछ ऐसा मिल जाता है, इसमें आपको लो बीम हाई बीम मिल जाता है। और नाइट में इसके हेडलाइट से आपको अच्छा खासा परफॉर्मेंस मिलने वाला है। बाकी फ्रंट लुक भी इसका जो है हेडलाइट ऑन होने के बाद काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त लगता है। हेलोजन में इसमें आपको नॉन फ्लेक्सिबल इंडिकेटर मिल जाते हैं। बाकी TVS का यहाँ पर आपको 3D में लोगो मिल जाता है। नंबर प्लेट यहाँ पर आपकी जो है लग जाएगी। बाकी इसके ऊपर जो है कवर है, यहाँ पर आप साइड से ग्राफिक्स देख सकते हैं। कवर मैंने इसलिए नहीं हटाया क्योंकि जो इस बाइक को परचेस करने वाला है उसको भी तो मौका मिलना चाहिए कि नहीं, सही बात है उसका अधिकार है भाई, अपन क्यों छीने। तो यहाँ पर आपको फ्रंट में जैसा कि आप देख सकते हैं टेलीस्कोपिक आपको सस्पेंशन मिल जाता है। इसमें आपको 240mm का डिस्क मिल जाता है। ABS फिलहाल तो इसमें नहीं मिलता, आने वाले टाइम में मिल भी सकता है TVS Raider में। इसमें आपको फिलहाल सिंक्रोनाइज ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाती है, अगर आप रियर का ब्रेक प्रेस करते हो तो उसके साथ में फ्रंट का भी अप्लाई हो जाता है। बाकी यार 80x100 साइज का यहाँ पर आपको 17 inches अलॉय व्हील के साथ ब्लैक कलर में अलॉयज मिल जाते हैं, और इसमें आपको TVS कंपनी का ट्यूबलेस टायर मिल जाता है। और बाकी सारी चीज़ें बाइक से रिलेटेड यहाँ पर आप जो है फ्रंट से देख ही सकते हैं। 10 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ इसमें आपको फ्यूल टैंक मिल जाता है कुछ ऐसे डिज़ाइन में, जैसे कि ग्राफिक्स आप देख सकते हैं सुपर स्क्वाड एडिशन। और टैंक काउल पर यहाँ पर आपको TVS का 3D में लोगो मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिलती है। बाकी स्प्लिट में यहाँ पर आपको सीट मिल जाता है जिसमें राइडर पिलियन दोनों के लिए अच्छी खासी जगह है। फैमिली पर्सन के हिसाब से भी काफ़ी सही है, अच्छा खासा कम्फर्ट वहाँ पर मिलने वाला है। बाकी कुशनिंग भी जो है ना काफ़ी अच्छी मिल जाती है, सीट काफ़ी सॉफ्ट है, और पिलियन को पकड़ने के लिए यहाँ पर आपको ग्रैब रेल भी मिल जाता है। बाकी कम्फर्ट की बात करें तो कम्फर्ट काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। साथ ही में इसमें आपको
5 स्टेप एडजस्टेबल गैस चार्ज मोनोशॉक सस्पेंशन मिल जाते हैं। इसके इंजन काउल पर भी आपको ग्राफिक्स देखने को मिल जाते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं टीवीएस के यहाँ पर आपको बैचिंग मिल जाते हैं, बाकी 63 के ग्राफिक्स। इस साइड से यहाँ पर आपको रेडर का 3D में लोगो मिल जाता है और बाकी सारी चीज़ें जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। 5 स्पीड का गियरबॉक्स मिल जाता है स्पोर्टी पैटर्न में, 1 डाउन 4 अप। बाकी साइड स्टैंड यहाँ पर आपको मिल जाता है साइड स्टैंड का टॉप सेफ्टी फीचर के साथ। बाइक का स्टैंड नीचे है बाइक गियर में, तो बाइक जो है स्टार्ट नहीं होगी। सेंटर स्टैंड आपको मिल जाता है, ओपन चेन मिलती है, तो 125cc के हिसाब से मेंटेनेंस की तरफ यहाँ पर आपको ध्यान ज़रूर देना पड़ेगा। बाकी एल्यूमिनियम में यहाँ पर आपको फोल्डेबल पिलियन राइडर फुटरेस्ट मिल जाते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, और बाकी सारी चीज़ें साड़ी गार्ड लेडीज़ फुटरेस्ट ये सब यहाँ पर आपको मिल जाता है। तो अभी आप बाइक को रियर से देख सकते हैं। रियर में यहाँ पर आपको कुछ ऐसे लुक में LED में टेल लाइट देखने को मिल जाती है। बाकी सीट ओपन करने के लिए की ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाता है। तीनों साइड से रिफ्लेक्टर, नंबर प्लेट के लिए यहाँ पर आपको लाइट, दोनों साइड से इंडिकेटर और यहाँ पर नंबर प्लेट लगाने के लिए जगह, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। इंजन की बात करते हैं तो इसमें आपको 124cc का इंजन मिल जाता है एयर एंड ऑयल कूल टेक्नोलॉजी के साथ और BS6 पेस्टो अपडेट के साथ इसमें आपको इंजन मिल जाता है, जिससे आपको 11.38 PS की पावर और 11.02 Nm यहाँ पर आपको टॉर्क मिल जाता है। बाइक से आपको अच्छा खासा परफॉर्मेंस मिल जाएगा और यहाँ पर आपको जो है 180mm का काफ़ी सही ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। बाकी थोड़ी सी दुख की बात यहाँ पर यह है कि इसमें आपको किक स्टार्ट ऑप्शन फिलहाल तो नहीं मिलता, मगर क्यों, आने वाले टाइम में आपको ये अपडेट भी देखने को मिल सकता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी अपडेट भी होता है, क्योंकि इसकी जो है काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, काफ़ी सारे लोग चाहते हैं कि इस बाइक में जो है किक ऐड हो जाए। तो अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की बात कर लेते हैं कि माइलेज इसमें कितना मिलेगा। तो इसमें आपको 60-65 के आसपास माइलेज मिल सकता है, बाकी डिपेंड करता है आपके राइडिंग के ऊपर, तो थोड़ा बहुत कम ज़्यादा उस हिसाब से आपको जो है माइलेज भी मिल सकता है। बाकी अगर आप बाइक के ऑनर है तो आप जो है अपना एक्सपीरियंस कमेंट में शेयर कर सकते हैं। बाकी रियर में आपको कुछ ऐसे लुक में यहाँ पर आपको यानी कि कुछ ऐसे लुक में इसमें आपको एग्जॉस्ट देखने को मिल जाता है। तो चलिए एक बार इसका जो है साउंड भी सुन लेते हैं। तो करते हैं बाइक को स्टार्ट। सिंगल क्लिक में बाइक स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन जब इसका जो है साइड स्टैंड ऊपर होगा या फिर बाइक जो है न्यूट्रल होगी। तो अभी बाइक को न्यूट्रल कर लिया है, तो बाइक को जो है स्टार्ट करते हैं। साइड स्टैंड कट ऑफ सेफ्टी फीचर इसमें आपको मिल जाता है, जिस वजह से बाइक जो है गियर में साइड स्टैंड नीचे होने के बाद स्टार्ट नहीं होती। तो इसमें आपको जो है ना काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी साउंड मिल जाता है, जिस तरह से एग्जॉस्ट दिखने में थोड़ा सा स्पोर्टी है, साउंड उससे भी ज़्यादा यहाँ पर आपको स्पोर्टी मिल जाता है। साउंड में काफ़ी ज़्यादा बेस है। बाकी रियर में यहाँ पर आपको 100x90 साइज़ का, जैसे कि साइज़ यहाँ पर थोड़ी सी छुपी हुई है, तो 100x90 17 inches अलॉय व्हील के साथ ब्लैक कलर में अलॉयज, और यहाँ पर आपको TVS कंपनी के ट्यूबलेस टायर इसमें मिल जाते हैं। बाकी रियर में आपको 130mm का ड्रम ब्रेक मिल जाता है। तो यार अगर आपको इस बाइक को अपना बनाना है तो इस बाइक के लिए आपको यहाँ पर 1,22,000 देने पड़ेंगे, यानी कि इसकी ऑन रोड प्राइस यहाँ पर मिल जाती है 1,22,000। बाकी स्टेट बाय स्टेट आपको जो है प्राइस में थोड़ा बहुत डिफरेंस भी मिल सकता है। तो बाइक और बाइक में मिलने वाले फीचर्स आपको कैसे लगे, आप जो है अपना पर्सनल ओपिनियन कमेंट करके शेयर ज़रूर करना। बाकी वीडियो इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना है। बाकी तो जल्दी मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और बाइक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और वीडियो को यहाँ तक जो है ध्यान से देखने के लिए थैंक यू सो मच।